क्या आप जानते हैं आप में ऐसी कौन सी सुपर पावर्स है, कौन सी क्वालिटीज है जिनको पहचान कर, जिनको अपना कर आप अपनी लाइफ को और ब्यूटीफुल बना सकते हैं, सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्टार होलिस्टिक हीलिंग 111 में। मैं हूं मोनिका जैन, सर्टिफाइड टैरो कार्ड रीडर, रेकी एंड क्रिस्टल ग्रैंड मास्टर। आज हम देखेंगे कि किस तरह आपकी शक्तियों को पहचान कर आप उन्हें अपना कर अपनी लाइफ में और सक्सेसफुल बन सकते हैं। आप कैसे अपनी लाइफ में जो चाहे वो अचीव कर सकते हैं। ऐसी कौन सी क्वालिटीज है जिनका आपको पता नहीं है। तो ये रीडिंग है कर्क राशि के लिए। कर्क राशि जनवरी 2022। ये स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग। उससे पहले आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले हम देखेंगे कर्क राशि में ऐसी कौन सी क्वालिटीज है, क्षमताएं हैं जिनको अपना कर वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ने वाले हैं। कर्क राशि जनवरी 2022 अटैचमेंट्स। कर्क राशि 2022, कर्क राशि 2022। ओके, सबसे पहले मैं देखूंगी मैन होल्डिंग हर कॉइन, जो कि दिखाता है कि आप बहुत ही ज्यादा अबंडेंट है अपनी लाइफ में। आपके पास मनी को लेकर अच्छी स्टेबिलिटी है, अच्छा पैसा है, तो वो हेल्प करता है आपको आपकी लाइफ में और दूसरी चीजों को भी अचीव करने में। और दूसरे पॉइंट से मैं देखूं तो मुझे कर्क राशि ये भी दिख रहा है कि आप में वो क्वालिटीज है कि पैसा कैसे कमाना है। आप बहुत ही आसानी से पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ प्रॉफिट मुझे हो सकता है, कौन सा काम करना है, तो ये सभी चीजें आप में बहुत सुपर पावर्स है जो कि बहुत आसानी से मनी मेकिंग में काम करती है। तो सबसे पहले मैं ये देखूंगी कि आप पैसे बहुत आसानी से पैसा कमा सकते हैं अपनी सभी क्वालिटीज को यूज करके। सेकेंड है सिक्स चक्रा, जो कि दिखाता है कि आप अपने मन की सुने, आपके इंट्यूटिव मैसेजेस के थ्रू आपको आइडिया लगता है कि मुझे कौन सा काम करना चाहिए, क्या मेरे लिए बेस्ट है और कैसे पैसा कमाना है। तो ये बहुत ही आसान मुझे यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट है कर्क राशि ब्रोकन हार्ट कार्ड, जो कि दिखाता है कि आप सोशल लाइफ भी बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं अपनी। बहुत ही कई लोग ऐसे हैं जो कि टूटे हुए हैं या उनको ऐसा लगता है कि हम हेल्पलेस हैं, हमारी कोई मदद नहीं कर सकता, तो आप इमोशनली भी और फाइनेंशियली भी लोगों की अच्छी सपोर्ट करते हैं। आप में वो क्वालिटी है कि आप लोगों को गिरने नहीं देते। अगर वो गिर रहे हैं तो उन्हें बहुत ही आसानी से आप संभाल लेते हैं, आप लोगों को खुश रखना जानते हैं। तो कहीं ना कहीं ये क्वालिटी आपको और बेहतर बनाती है, आपको अच्छा कहूं कि एक समाज में अच्छी रेपुटेशन आपको दिला सकती है। लास्ट कार्ड है फोर्थ एंजल ऑफ स्ट्रेंथ कार्ड। तो मैं ये कहूंगी कि आप में कॉन्फिडेंस बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, आप में किंग वाली क्वालिटीज है। नए साल में जो भी चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे, आप देखेंगे कि आप एक अच्छी मैं ये कहूंगी कि अच्छी पोजीशन पे आप होंगे। डेफिनेटली बहुत ही अच्छा आपका वजूद आपका बहुत अच्छा होगा, लोग आपको बहुत ही अच्छी एक हाई पर्सनालिटी देखेंगे। तो ये क्वालिटीज आप में बहुत ही स्ट्रांग है कर्क राशि। अगर आप में ये क्वालिटीज है तो उनको अपनाने की आपको जरूरत है, आपको और कॉन्फिडेंट होने की जरूरत है, जिससे कि आप लाइफ में और बेहतर इंसान बन सके। एक बार फिर से मैं आपकी सारी क्वालिटीज को दोहराऊंगी कि बहुत इजी मेकिंग मनी कैसे बनाते हैं, इसमें आप बहुत परफेक्ट हैं। आप बहुत ही इंट्यूटिव मैसेजेस ले सकते हैं, आप में एक डिवाइन एनर्जी है जो काम करती है कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। फोर्थ में ये कहूंगी कि बहुत ही लोगों की हेल्प आप करते हैं हर तरह से, फिजिकली मेंटली इमोशनली हर तरह से लोगों को सपोर्ट करते हैं, उन्हें सही गाइड करते हैं। नेक्स्ट, आप बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ लिए हुए हैं, कॉन्फिडेंट पर्सन हैं, अपनी हर
चीजों को कैसे कंट्रोल किया जाता है, लोगों को कैसे डोमिनेट किया जाता है, या बहुत अच्छे से आपको आता है, आप में किंग क्वालिटीज है और डेफिनेटली आपको एक दिन ये किंग बनाएंगी। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कर्क राशि आपकी करियर रीडिंग क्या कहती है। जनवरी मंथ के लिए कर्क राशि 2022 के लिए कर्क राशि फल, कर्क राशि फल 2022, कर्क राशि फल 2022। द फूल कार्ड, नाइन ऑफ सॉर्ड, दो दो द स्ट्रेंथ कार्ड यहां पर आए हैं। द चैरियट एंड एस ऑफ वॉन्ड। कर्क राशि जनवरी 2022, रीडिंग कर्क राशि जनवरी 2022। कर्क राशि स्टार्ट करते हैं आपकी जॉब रिलेटेड रीडिंग, जो कि मुझे यहाँ दिखाती है द फूल के साथ में स्टार्ट करती हूँ। तो द फूल और कंट्रोल कार्ड यहाँ दिखाता है कि आपके बॉस या जहां भी आप जॉब करते हैं, जहां भी आप काम करते हैं, वो बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग हो सकता है आपको लेकर, जिसकी वजह से आपको थोड़ी परेशानी हो रही है, आप परेशान हैं, रोज रोज आपको ऐसा लगता है कि मुझे हर्ट होता है, मैं थक गया हूँ ये काम करके। तो हो सकता है कि ऐसी सिचुएशन आपकी बने जनवरी में, जब आपका एंड आपको लगे कि अब बस बहुत हो गया है, या तो मुझे इस जॉब में नहीं रहना है, और अगर रहना है तो मुझे अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं खोनी है। तो ये दोनों ही कंडीशन मुझे यहाँ पे कर्क राशि बनती हुई नजर आ रही है। अगर आप अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हैं तो भी बिजनेस में भी मुझे यहाँ पर लग रहा है कि कोई तो भी आपकी लाइफ में ऐसे फादर फिगर हो सकते हैं जो कि आपको सही गाइडेंस दे रहे हैं, और गाइडेंस के साथ उन्होंने बहुत कंट्रोल भी किया हुआ है आप पर, तो इस वजह से भी आप थोड़ा परेशान हो सकते हैं, और इस परेशानी का अंत आप खुद निकाल लेंगे जनवरी में। मुझे यहाँ दिख रहा है कि जनवरी मिड तक आप खुद इसके सॉल्यूशंस निकाल लेंगे और अपने हिसाब से काम करने के लिए आप आगे चल पड़ेंगे। चैरियट कार्ड के साथ मैं ये कहूंगी कि हो सकता है आप अपनी शहर, दूसरे शहर में शिफ्ट होने की सोचें, और चैरियट कार्ड ये भी दिखाता है कि कुछ ट्रैवल के साथ ही आप अपनी लाइफ में भी कुछ एक डिफरेंट करने की सोचेंगे, अपने बलबूते पे करने की सोचेंगे। तो वो मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली दिख रहा है जनवरी में कि आपको खुद अपने दिल की सुनना चाहिए। जैसे कि आपकी क्वालिटीज में भी कार्ड आया था कि आपको अपने इंट्यूटिव मैसेजेस पे विश्वास करना चाहिए, अपनी डिवाइन एनर्जी जो आपको सही गाइडेंस दे रही है वो सुनना चाहिए। और मैं ये कहूंगी कि कर्क राशि का ही कार्ड आया है, तो अपने इमोशंस को बैलेंस रखें, बहुत ज्यादा दुखी ना हो, बहुत ज्यादा परेशान ना हो, और जो आप चाहते हैं करना वो आपको करना चाहिए। जनवरी में आप जैसा चाहें वैसे अपनी एक नई स्टार्टिंग आप कर सकते हैं। ट्रेवलिंग दिखा रहा है, नई सिटी में मूवमेंट दिखा रहा है, या फिर जो काम कर रहे हैं उसको छोड़कर कोई दूसरा काम भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, दूसरी जॉब कर सकते हैं, बिजनेस कर रहे हैं तो दूसरा बिजनेस कर सकते हैं। थंडरबोल्ट कार्ड यहाँ पर है जो कि दिखाता है कि कहीं भी इन्वेस्टमेंट मत करना, कोई जनवरी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, चाहे वो शेयर मार्केट हो, चाहे वो कोई भी प्रॉफिट के लिए आपके लिए पास कोई डील हो, या फिर कोई नया इन्वेस्टमेंट हो, तो वो आपको जनवरी में नहीं करना है। और एस ऑफ वॉन्ड्स कार्ड यहाँ दिखाता है कि कुछ न्यू बिगनिंग, न्यू अपॉर्चुनिटी आपके पास आ सकती है, लेकिन किसी की गाइडेंस लेकर काम ना करें, अपने दिल की सुने, जो आपको ठीक लगता है, आपको लगता है कि मेरे लिए ये काम सक्सेसफुल है और मुझे ये करना चाहिए, तो आपको वो ही करना चाहिए। आपको बहुत ज्यादा किसी के गाइडेंस की जरूरत नहीं है और आपको नहीं लेना चाहिए। सॉरी, स्ट्रेंथ कार्ड यहाँ पर आया है, दो दो स्ट्रेंथ कार्ड हैं, तो वो दिखाते हैं कि आपको कॉन्फिडेंस की बहुत जरूरत है। अपने आप को इतना कॉन्फिडेंट बनाएं कि यस, जो मैं कर रहा हूँ वो एकदम परफेक्ट है, तो डेफिनेटली आप अचीव कर पाएंगे। देखिए, एस ऑफ वॉन्ड कार्ड यहाँ पे न्यू बिगनिंग दिखा रहा है अपने काम में। कुछ भी नई जॉब का ऑफर आ सकता है, कुछ नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, नया बिजनेस आप कर सकते हैं,
एक जनवरी में कुछ नया आने डेफिनेटली आने ही वाला है, बट पुराना थोड़ा स्टॉप करने की आपको जरूरत है, जैसा कि मैंने आपको बोला। नेक्स्ट हम देखेंगे आपकी लव रीडिंग, क्या कहते हैं आपके कार्ड्स। कर्क राशि लव रीडिंग, कर्क राशि लव रीडिंग। ओके, एस ऑफ सॉर्ड, फाइव ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड, सिक्स ऑफ सॉर्ड। लव रीडिंग कर्क राशि जनवरी 2022। लेटिंग गो, लव रीडिंग द माइसर, ओके एंड द साइलेंस। ओके, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है, जैसा कि मैंने आपको बोला कि आप इंट्यूटिव तो हैं लेकिन इमोशंस इमोशनल बहुत ज्यादा हैं कर्क राशि। तो मैं ये कहूंगी कि अगर आप किसी से प्यार करते हैं, किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, किसी से बात करना चाहते हैं, तो बहुत समय निकल चुका है ऑलरेडी, अभी और ज्यादा समय बर्बाद ना करें और जिससे भी जो कहना चाहते हैं आप कह दें। आपको ऐसा लग रहा है मुझे कि बार बार आप समय को निकालते रहते हैं कि ठीक है फिर कभी बात कर लूंगा, नहीं कह सकता, पता नहीं क्या रिप्लाई आएगा, तो ऐसा सोचकर आप बात नहीं कर पाते हैं, जो कि आपके अंदर अपने मन को ही दुखी किए जा रहे हैं। आप में कॉन्फिडेंस नहीं है कि क्या पता वो जिसको भी आप प्रपोज करना चाहते हैं वो एग्री करेगा कि नहीं करेगी, मतलब बहुत खुद ही सोच रहे हैं। तो बहुत ज्यादा ना सोचें, जो भी होगा हो जाएगा, यस तो यस, नहीं तो नहीं। तो बहुत ज्यादा ना सोचें और जिससे भी आप प्यार करते हैं आपको उनसे बात करनी चाहिए और उनको प्रपोज करना चाहिए, डेफिनेटली वो आपको समझेंगे और मुझे यहां तक लग रहा है कि वो एक्सेप्ट करेंगे। दो कार्ड्स यहाँ पर है, दो क्वींस यहाँ पर है, पेंटकल्स और स्वॉर्ड, तो वो दोनों मुझे यहाँ दिखाती है कि हो सकता है आप किसी से एडवाइस ले रहे हो, वो आपको कह रहा है कि, कोई लेडी हो सकती है वो आपको कह रही है कि नहीं नहीं अभी मत बोलना, जबकि आपकी स्टेबिलिटी है उस रिश्ते में और आपको कह देना चाहिए, आपको अपने मन की बात को कहना चाहिए, जो कि आपके हार्ट को कहीं ना कहीं ब्लॉक कर रहा है, कोई तो ऐसा पर्सन है। तो अब अपनी चुप्पी को हटाएं, मूवमेंट लाएं अपनी लाइफ में और आगे बढ़ने की कोशिश करें। सेकेंड व्यू से मैं देखती हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर बहुत ज्यादा अगर आपके पार्टनर के साथ आपकी प्रॉब्लम्स थी या चल रही हैं, तो जनवरी में डेफिनेटली आप उससे मूव ऑन कर लेंगे, प्रॉब्लम से मूव ऑन कर लेंगे, एक बार फिर से अपने रिश्ते को टाइम देंगे, एक बार फिर से अपने रिश्ते में बैलेंस लाने की कोशिश करेंगे और आपका रिश्ता बहुत बेहतर हो जाएगा। द मून द साइलेंस के कार्ड के साथ मैं ये कहूंगी कि हो सकता है कि ये मल मास निकलने के बाद आफ्टर 15th आपको आपके रिश्तों में पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने लग जाएंगे। तो कर्क राशि, आपको थोड़ा सा मून मेडिटेशन करना चाहिए, पूर्णिमा का फास्ट कर लेना चाहिए और अगर आप किसी भी रिश्ते में अगर कुछ कहना चाहते हैं तो अपने मन में ना रखें, जो कहना चाहते हैं वो कह दें, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपको खुशी भी मिलेगी और एक मन से आपको फील होगा कि कोई बर्डन था जिसको मैं बहुत टाइम से लेके चल रहा था तो वो हट गया है, तो डेफिनेटली ऐसा आप फील करेंगे। देखते हैं एंजल आपको क्या मैसेज दे रही है। कर्क राशि एंजल मैसेजेस, आर्कएंजल रैफियल, अर्थ एंजल कहती है कि आप दुनिया में प्यार ही सिखाने आए हैं, तो अपने मन में प्यार भी लाइए और प्यार है तो कहना भी सीखिए। तो डेफिनेटली मैं ये कहूंगी कि अर्थ एंजल कहती है कि टीच अबाउट लव, प्यार सीखो, प्यार सिखाओ, प्यार करो, तो जो भी नेचर है, जो भी आसपास है, उन सबके साथ इमोशनली बैलेंस रहें। अगर किसी से भी आप अपने प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप करें। सेकंड है आर्कएंजल रैफियल, जो कि कहती है कि अपनी हीलिंग करें,
खुद की हीलिंग करें, खुद को सपोर्ट करें, खुद के कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएं और खुद की हीलिंग करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। थैंक यू गाइज, ये थी कर्क राशिफल। आपको रीडिंग कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।